24 रन से हार का सामना करने के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान केएल राहुल ने रविवार को यह कहा कि उनके गेंदबाजों ने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 178 रन बनाने के लिए लखनऊ को 8 विकेट पर 154 रन पर रोक दिया। हार के बाद लखनऊ की टीम अब पॉइंट टेबल में दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गई है। वहीं संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान की टीम दूसरे से तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। दोनों ही टीमों के 13-13 मैच के बाद 16-16 अंक है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम अब 20 अंक के साथ टॉप पर है। केएल राहुल ने मैच के बाद कहा, यह ऐसा लक्ष्य था जिसे हासिल किया जा सकता था। पिच अच्छी थी और हमने उन्हें इस स्कोर तक रोकने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि हमारी बल्लेबाजी इकाई ने एक बार फिर खराब प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी इकाई एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं कर सकी। हम अपनी रणनीति को मैदान में नहीं उतार सके। अगले मैच में हमें इस मामले में अच्छा करना होगा।